गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरे बच्चे की ना 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बच्चे ये देखो इतना चेहरा लाल पड़ रहा है, इतना गर्म पड़ रहा है मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन से बुखार है इसको, बुखार, कमजोरी, चेहरा देखो कितना लाल पड़ रहा है। देखो अभी ना बहुत गर्म पड़ रही है, बहुत। पता नहीं दोस्तों क्या है क्या नहीं, आई 3रे दिन तबीयत ख़राब हो जाती है पता नहीं क्यों। बच्चे लाओ तुम्हारे माथे पर कपड़ा रखो, है एक सेकंड रुको। है गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है इनकी, बहुत ज़्यादा खांसी बुखार, दवा दिलवा दी उससे भी कुछ आराम नहीं पड़ा। दवा से दवा खाते हैं थोड़ी बहुत देर आराम रहता है, फिर वही कंडीशन, दवा का असर ख़त्म फिर वही बुखार। आता है बच्चे से डेली का आएगा, डेली का। तो यार इतने पैसे तो है नहीं कि डेली दवा ले के आओ यार, 200-250 रुपये की है ना। ठंड भी लगती है, कभी ठंड कभी गर्मी, रात को तो पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो इस होटल का काम ऐसा है, जब सुबह को चले गए तो शाम से पहले वो नहीं मिलती, टाइम ही नहीं मिलता, दिन के पास आ जाओ थोड़ी बहुत देर के लिए। सर बहुत ज़्यादा मूड खराब, पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, मुझे समझ में नहीं आता, तबीयत खराब, पैसा नहीं रुकता हाथ में। बुखार वुखार तो दवा बाद से ठीक हो जाता है, पर एक और दिक्कत है ना, रात को ना बहुत डरावने डरावने सपने आते हैं पता नहीं क्यों। जो डेली का काम है डरावने सपने, उसमें लाश दिखना, मतलब एकदम बंद चेहरा वेहरा कुछ नहीं दिखता, केवल लाश ही लाश दिखती है। रात को ना बहुत परेशान हो जाती है, जब उठती है एकदम भड़बड़ा के, एकदम चेहरा लाल पड़ा रहता है, आँखों में आँखों से आँखें एकदम लाल, नानी डरावने सपनों का मतलब क्या है। डेली आते हैं डेली, तो गाइस सपने तो जब से आ रहे हैं, जब से हम दोनों की शादी हुई है ना, जब से कई लोगों को मतलब बताया है, जो बाबा वगैरह होते हैं मतलब वो भी कुछ नहीं बताते कि कुछ नहीं है, सपने हैं, ये तो आते रहते हैं। एक दो बार ताबीज भी दिया, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस। शादी के बाद ही पता नहीं क्या 2 से 3 दिन बाद सपने आए थे इनको, ऐसे ही डरावने डरावने बहुत भयंकर आते हैं गाइस। जंगल जंगल में फंस जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता निकलने का, एकदम लाश ही लाश, सफ़ेद कफन, पता नहीं गाइस क्या है क्या नहीं। ऐसे देखो उनके ना पहले ना बहुत भूरे आते, अब देखो कैसे काले काले पड़ गए, तबीयत खराब हो गई है ना इसलिए। देखो चेहरा कैसा लाल हो रहा है, देखो पहले ना गाय ना बहुत गोरी थी, अब दिन पे दिन ना मतलब सांवला पड़ता जा रहा है कलर, पता नहीं पानी की वजह से या फिर यहाँ रहने की वजह से या फिर तबीयत खराब होती है। ये देखो आंखें कितनी मतलब काली काली पड़ रही है, बहुत पहले को बहुत गोरी थी, ये देखो चेहरा कितना काला पड़ रहा है, हाथ भी बहुत तबीयत खराब और हो जाती है उससे, और चेहरा सांवला सा पड़ता है। समझ में नहीं आता गाइस क्या करें क्या नहीं करें, एक मन करता है कि अलीगढ़ चले जाएं वापस। अलीगढ़ चले गए बच्चे हैं? नहीं क्यों, वहीं चले गए ना आराम से, आगे पानी भी सूट करता है तुमको, हैं अलीगढ़ नहीं जाना।
वैसे है ना, इनकी तबीयत ख़राब रहती है। दिल्ली में आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, फिर भी मैं अलीगढ़ की कहता हूँ तुरंत मना कर दी थी, पता नहीं क्यों। दिल्ली में तबीयत ख़राब क्या होती है? क्यों तो कभी कभी तबीयत ख़राब तो हो ही जाती है, अब ये तो ना कि दिल्ली में होती हो तबीयत ख़राब, तो मेरे अलीगढ़ में रहती ना, वहाँ पे ऐसा ना होता। यहाँ का बस इतना है, जो पानी है खारा पानी है वो सूट नहीं करता, उससे मेरा चेहरा वगैरह का कलर डाउन होता जा रहा है, तबीयत ख़राब मेरी यहाँ इतनी नहीं रहती, कभी कभी हो जाती है। वो तो हर जगह कहीं भी रहो तबीयत तो ख़राब होती है, पर ये नहीं है कि दिल्ली की वजह से होते हो। दिल्ली में बस एक ही प्रॉब्लम है, पानी ठीक नहीं है और कुछ नहीं है। मेरा गाइस चेहरा देखने का मन नहीं करता शीशे में, क्योंकि इतना सांवला दिखता है ना, बहुत ज़्यादा ना, तुम देखती हो नहीं? गाइस मैं ना थोड़ा लेटरिन बाथरूम करा देता हूँ, आना उठो। चादर उठाओ, चलो उठो।